श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल hari 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 bol hari bol hari bol hari 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 bol hari bol hari bol hari 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 bol hari 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 bol hari bol hari bol hari 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 bol hari bol hari bol hari bol hari etai gaur hari bol hari bol hari bol hari bol hari ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
नम महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुराग सिंधु करुणायक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छविकेल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदि केल सिंधु। वृंदाई तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि गौर ब्रह्मानंद हरि हरि ब्रज किशोर आगे बस पचाए बस एकाएकी सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का क्या तिरुभाव तिथि है। कहते जो ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते छह गोस्वामी में ये अन्यतम है। कदी ये कृष्ण लीला में ये कौन थे, बोले अनंग मंजरी जासी सत्य गोपाल भटक भट्ट गोस्वामी नम के चीत आहो श्री गुण मंजरी। कदी इनका जो नित्य सिद्ध स्वरूप है, कदी ये अनंग मंजरी जासी कदे कृष्ण लीला में राधा रानी की जो छोटी बहन श्री अनंग मंजरी और कहीं कहीं ये भी उनके लिए बताया ये गुणा मंजरी राधा रानी की ये गुणा मंजरी। इनका दो स्वरूप बताते हैं। कहते ये इनका जो जन्म है, कहते श्री रंगम क्षेत्र में श्री वेंकट भट्ट का पुत्र रूप में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जन्म ग्रहण किए हैं। इसलिए कहते श्री कावेरी नदी को पास में कहते गांव है जिसका नाम बेला गुंडी ग्राम में इनका जन्म है। कहते ये बचपन में ही महाप्रभु का जितने सारे लीलाओं को उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया है, सब लीलाओं को स्वप्न में दर्शन किया। वैसे तो महाप्रभु का नित्य सिद्ध परिकर है राधा रानी की ये निज जन है। महाप्रभु का सारे लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया और महाप्रभु ने उनको क्या बताया था, पहले कहिल ए सब कथा राखी बे गोपने हईल परमानंद गोपाल रमने। महाप्रभु ने कहा देखो गोपाल, ये जितने तुमने मेरी लीला दर्शन किया है, कहते ये जो मेरा लीला है ये प्रच्छन्न अवतार, भगवान सब कुछ लीला प्रच्छन्न रूप में छुपे हुए रूप में करेंगे, ये कथा तुम किसको बोलना नहीं, ये बात किसको बोलना नहीं। उन्होंने मना कर दिया और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े खुश हुए हैं। कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जिस समय ये श्री सन्यासी को बाद में जब श्री रंगम क्षेत्र में गए, वहां पर श्री रंग जी का मंदिर है और महाप्रभु का उम्र कितने 26 साल उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और महाप्रभु आजान लंबित भुजौ कनका
बदातो संकीर्तनय कपितरो कमलाय ताक्षो विश्वं भरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतार। महाप्रभु अजानुलंबित भुजाए हैं, महाप्रभु जो सुंदर है, कहते कोटि कंदर्प रूप को जीन करे उनका रूप, इसलिए कहते हैं बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल महाप्रभु का। इसलिए राधा रानी कृष्ण कितने सुंदर है, और राधा रानी कृष्ण के रूप को भी मात करने वाले, अगर दोनों मिल जाएंगे तो बताओ कितना सुंदर नहीं होंगे हैं, इसलिए अद्भुत सुंदर। इसलिए महाप्रभु जब एक बार हाथ उठा करके हरि बोल बोलते थे, हाँ हरि बोल सुन करके जितने सब लोग पागल हो जाते थे, और महाप्रभु के पीछे हजार हजार लोग महाप्रभु के पीछे पीछे चलते थे। इसलिए महाप्रभु जिस समय श्री रंग जी के मंदिर में आए और सन्यासी 26 साल उम्र में सन्यास लिया, अद्भुत रूप है महाप्रभु, जब नृत्य कीर्तन कर रहे थे ना, वहाँ पर हल्ला हो गया, कहाँ से एक सुंदर सन्यासी आया है, बड़ा सुंदर है, और कृष्ण कीर्तन में नृत्य कीर्तन कर रहा है। अभी भगवत इच्छा से वहीं पर श्री वेंकट भट्ट भी आए थे, और महाप्रभु जाने का वहाँ यही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य है, महाप्रभु का भक्त वहाँ पर है, कौन कौन, कहते ये लोग तीन भाई थे, एक वेंकट भट्ट, एक त्रिमल भट्ट और एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती, ये तीनों भाई थे। अभी इनके गोपाल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, कहते वेंकट भट्ट का पुत्र रूप में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जन्म हुए हैं। इसलिए महाप्रभु हैं, महाप्रभु सारे भक्तों को एकत्रित कर रहे, कलेक्शन कर रहे सारे भक्तों को, उनको पता है यहाँ पर मेरे भक्त लोग हैं, हैं श्री वेंकट भट्ट और श्री त्रिमल भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, कहते ये भक्तों को कैसे एकत्रित करे। महाप्रभु वहाँ पर गए और इनका रूप देख करके, वेंकट भट्ट तो जानते हैं गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म क्या है, महाप्रभु सिखा दिया ना, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, बोले ये दो काम करने चाहिए, क्या, एक तो वैष्णव सेवा और दूसरा क्या नाम संकीर्तन। अब विशेष करके श्री जो वेंकट भट्ट है, कहते ये रामानुज संप्रदाय में ये दीक्षित है, और रामानुज संप्रदाय में जो नीति जो नियम है ना, बड़ा निष्ठा है। अब देखना कभी भी जब वो ठाकुर पूजा करते हैं ना, वो कभी भी ये कुर्ता नहीं पहनते, कभी वो कुर्ता नहीं पहनते। अब देखना जगन्नाथ जी के जितने सेवक है, जगन्नाथ जी की जब सेवा करने के लिए जाते कुर्ता पहनते हैं नहीं, उनका कुर्ता नहीं देखोगे, और गले में यहाँ पर जरूर उनका क्या रहेगा, गमछा जरूर रहेगा उनके हैं, इसलिए गला वस्त्र कृताजलि वैष्णव निकटे और बड़े सदाचारी संपन्न होते हैं ये लोग हैं। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए, उनका रूप देखा, जानते हैं सन्यासी लोग, सन्यासी लोग क्या करते थे पहले, स्वयं कोई रसोई नहीं बनाते थे हैं, जो अच्छे ब्राह्मण लोग होते थे उनके घर में जा करके माधुकरी लेकर के उसको द्वारा ही जीविका निर्वाह करते थे, जैसे हमारे छह गोस्वामी लोग करते थे हैं, भिक्षा करके भिक्षा के द्वारा अपना जीविका निर्वाह करते थे। इसलिए महाप्रभु का रूप देख करके मुग्ध हो गए, और उन्होंने महाप्रभु को उन्हें निमंत्रण दिया, बोले आज हमारे घर में आपका प्रसाद की व्यवस्था, अब महाप्रभु तो इसलिए गए थे, इसलिए महाप्रभु उनका स्वीकार किया, स्वीकार करते हुए उन्होंने उनको घर में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किए, और उनको घर में तो चार चार भक्त उनके घर में है, इसलिए प्रसाद ग्रहण करते हुए महाप्रभु वहां पर 4 महीना रुके, कितना रुके, 4 महीना, ये जो चातुर्मास है ना, कहते पहले पहले साधु लोग ये 4 महीना, अभी जो चातुर्मास से चल रहा है ये 4 महीना में इधर उधर कहीं नहीं जाते थे, कहीं एक जगह पर ये लोग सबके सब रुक जाते थे, और एक जगह पर रुक कर क्या करते थे, वो निष्ठा नियम बनाते थे 4 महीना में, जैसे इस महीना में जैसे बैगन नहीं खाते हैं, बड़बटी नहीं खाते हैं, सीम नहीं खाते हैं, बैगन नहीं खाते हैं, घिया नहीं खाते हैं, हैं घिया नहीं खाते हैं, टमाटर नहीं खाते हैं, ये सब चीज को क्यों मना किया, कारण किया है, बोले इसका कारण है आपको जितने बढ़िया बढ़िया आप चीज खाओगे ना, आपको उतना परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करोगे तो फिर तो आपका समय परिश्रम में जाएगा, परिश्रम करोगे तो पैसा आएगा,
पैसा आओगे तब तो बढ़िया बढ़िया चीज खाओगे ना, है? इसलिए इसी इसलिए ये चातुर्मास महीना में बताए भैया, साधारण से साधारण वस्तु खाओ किस तरह से अपना पेट को भरने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो समय निकाले इसके लिए किसके लिए निकालो, भजन के लिए निकालो, है? ज्यादा से ज्यादा नियम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम गान नति भी संख्या पूर्वक क्या करो, दूसरे दूसरे महीना में जितने हरि नाम करते थे चातुर्मास में क्या करो, थोड़ा ज्यादा उससे ज्यादा हरि नाम बढ़ाओ। चातुर्मास महीना में जो भक्ति का जो अंग है जितना पालन करते तो उससे थोड़ा और ज्यादा करो। इसलिए ये चातुर्मास महीना में ही नारद जी हैं, नारद जो भक्त बने इसी चातुर्मास महीना में, जब उनको गांव में साधु लोग आकर के 4 महीना रुके, तब नारद जी जा करके 4 महीना उनने संत सेवा की, 4 महीना संतों से उन्होंने हरि कथा सुने, और उनकी प्रभाव से ही नारद जी इतने जल्दी जो भक्ति उनको मिला, यही कारण है। केवल साधु की आशीर्वाद, साधुओं का कृपा से इतने जल्दी उनको भक्ति बढ़ी और इतने जल्दी उनको भक्ति मिली है। इसलिए महाप्रभु 4 महीना तक वहां पर रहे, 4 महीना तक वहीं पर रह करके, और क्या करते थे, जब एक भक्त भक्त मिलते हैं क्या करते हैं, आपस में हरि चर्चा, ग्राम्य चर्चा नहीं, क्या करते हैं, हरि चर्चा आपस में करते थे। इसलिए महाप्रभु ने वहीं पर उनको 4 महीना तक अपना संग उन्होंने प्रदान किया, 4 महीना तक। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कहते राधा भाव दुति सुबलित नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के आए। अगर कहते हैं है, कहते तुलेयाम लभनापि न स्वर्ग न अपनर्भव। अगर जीवन में 1 लाभ अगर जीवन में साधु सब होता है, 1 लाभ कितने समय को कहते हैं? कहते 1 मिनट को 11 भाग कर लो, 11 भाग का 1वां भाव को 1 लाभ कहते हैं। अगर इतना समय अगर साधु स्वयं करो ना, उसमें सर्वसिद्धि हो जाता है। और जहाँ चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर बैठ करके हरि चर्चा करते थे, फिर तो हम सोच भी नहीं सकते थे वहां पर कृष्ण कथा की नदी कैसे बहती होगी, हैं? कृष्ण कथा रूपी नदी मंदाकिनी वहां पर हैं, वहां पर बहती थी। एक दिन महाप्रभु का परिवार को साथ में बैठे हुए थे, बैठी बैठी करके उन्होंने बात बात में उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया। बोले वेंकट भट्ट जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? बोले प्रभु बताओ। कहते आपका जो जो श्री संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्री संप्रदाय बोलो रामानुचार्य। कहते श्री माँ लक्ष्मी हैं ये सर्वश्रेष्ठ रामानुज आचार्य जी, उन्होंने प्रवर्तक, उन्होंने उसी संप्रदाय को उन्होंने चलाया। इसलिए जैसे हमारी हमारी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? राधा रानी। श्री चलाया ब्रह्मा जी, और राधा रानी कौन है? इसलिए कृष्ण की इसलिए इनका नाम राधा है, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को जो आराधना करती है। बोले कृष्ण ने आराध्यते थी राधा, कृष्ण भी जिनकी चरण की आराधना करते हैं, चरण की सेवा करते हैं, इसलिए लक्ष्मी उनकी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ जो भक्त कहती है माँ लक्ष्मी। इसलिए महाप्रभु ने प्रश्न किया, देखो और श्री वेंकट भट्ट कहती जो लक्ष्मी आपकी, हमने सुना हमारा कृष्ण तो ग्वाला वृंदावन में गैया को पीछे पीछे डोलते हैं, और आपका लक्ष्मी कहते रहते में बैकुंठ में नारायण की अंक साइन वहां पर तो हैं, वहां पर तो चका चौंध है, वहां पर हीरे जवाहरात देख रहे सब बने हुए हैं, इसलिए वहां पर लक्ष्मी की वहां पर वैभव प्रकाश है, वहां पर लक्ष्मी का ऐश्वर्य प्रकाश है। लेकिन वो लक्ष्मी तो इतने ऐश्वर्य, हमारी कृष्ण तो ग्वाला है, हमने सुना आपकी जो लक्ष्मी हमारा जो ग्वाला कृष्ण को पाने के लिए और उनकी रासों में प्रवेश करने के लिए वो तपस्या कर रही है। तो इसको सुन करके वेंकट भट्ट बोले ये तपस्या कर रही है? बोले हाँ। बोले कहाँ से आपकी ये बात मिली है? बोले क्यों? ये बोले भागवत में लिखा हुआ। बोले भागवत मैंने भी पढ़ा है, भागवत मैंने भी पढ़ा है, लेकिन हमें तो ये सब चीज मिली ही नहीं। तब श्री महाप्रभु 2-3-4 जगह से उन्होंने श्लोक को उन्होंने उठाकर बोले, बोले देखो कहाँ पर लक्ष्मी भगवान कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही है, कहाँ कहाँ पर,
कहते एक श्लोक तो उन्होंने बोले जब कृष्ण कालिया के सर पर नृत्य की हैं, जब नृत्य की उसी समय में नाग पत्निया हैं, पहले तो नाग पत्नी दूर से देख रही थी, बोली मर जाए तो अच्छा है क्योंकि एक में तो भजन करता ही नहीं, पर हम लोगों को भजन करने भी देता ही नहीं, जो पति भक्ति करे नहीं और हमें भक्ति करने नहीं दे, ये पति रहना मर जाना ठीक है, मर जाए तो अच्छी बात है, फिर तो हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब देखा कृष्ण की चरण की ठोकर से मुंह से खून निकलने लग गए, उसका बुद्धि बदल गया और मन मन में कृष्ण चरण में शरणागति हो गई, बोले ये पति रहना सही है, अभी भक्त बन गया, ये अभी भक्त बन गया। अगर पति पत्नी दोनों मिल करके भक्ति करते डबल भक्ति होगी, हैं, दोनों एक साथ में सत्संग में जाएंगे, हरि कथा सुनेंगे, इसलिए बोले। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की, स्तुति करते करते वहां पर एक श्लोक उन्होंने उच्चारण की, बोले विहाय कमान सुचिर धृतवता है, कहती है लक्ष्मी भी भगवान कृष्ण के चरणों को पाने के लिए, कहती है कालिया ने इन्हें कौन सा तपस्या की है, क्योंकि जिन चरणों को पाने के लिए लक्ष्मी भी विहाय कमान वैकुंठ में है अथा ऐश्वर्य है, हजार हजार दास दास जिनकी सेवा करती हैं, कहते वो लक्ष्मी क्या कर रही है, सारे वैकुंठ की कामना वासना को छोड़ करके, सारे ऐश्वर्य नारायण के चरण की सेवा को छोड़ करके क्या कर रही है, विहाय सुचिरा धृत व्रता, बड़ी दिनों से बड़ा व्रत धारण करते हुए हर जगह में लक्ष्मी की देखो ऐसे बैठती हुई, लेकिन बेलवन में गए लक्ष्मी ऐसे बैठी, तपस्या कर रही है। कहते उन्होंने ये श्लोक उदाहरण दिया, फिर उन्होंने दूसरा श्लोक उदाहरण दिया, जब ब्रज में श्री उद्धव जी आए, उन्होंने ब्रज गोपियों की और जब राधा रानी के प्रेम की चमत्कारिता को देखे, तो वहां पर कह रहे हैं, कहते श्री ललना चरित तप, वहां पर कह रहे हैं, कहते जिनकी कृष्ण की चरण को प्राप्त करने के लिए, कहते जो लक्ष्मी क्या कर रही है, लक्ष्मी वो भी तपस्या कर रही है, लक्ष्मी भी जिनकी चरण को पाने के लिए लालायित तो होती हैं, ऐसे श्री कृष्ण का चरण कमल है। उन्होंने भागवत से दो चार स्थान से उन्होंने हैं उनने श्लोकों को उठा उठा कर जब बोले, बोले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोले भैया मैं तो इतना दिन से भागवत पढ़ा लेकिन अभी तक तो ये सब चीज मेरे को दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी, कारण क्या, बोले कारण बताए, कद जाह भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत तरंग। कहते अगर भागवत का पूरा सिद्धांत की तरंग हो, लहरियों को अगर समझना, उसमें प्रेम रस में गोता लगाना, तो कहते किसकी अनुगत्य में भागवत पढ़नी चाहिए, यद्यपि हर संप्रदाय में भागवत पढ़ते हैं हर संप्रदाय में, लेकिन कहते अगर गौड़ीय संप्रदाय के अनुगत्य में है, महाप्रभु के भक्तों के अनुगत्य में अगर भागवत पढ़ोगे ना, कहते पूर्ण रूप में भागवत का जो रस तुमको प्राप्त होगा, जैसे देखो भागवत का जैसे पहला श्लोक है, कहते यही श्लोक को जब श्री बल्लभाचार्य व्याख्या करते हैं, जन्मादस्य जत जो सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को ध्यान करते हो, किसमें लगाए, कृष्ण, परम सत्य कौन है, कृष्ण है, जिनसे जगत का सृष्टि प्रलय हुआ, लेकिन वही श्लोक को जो विश्वनाथ चक्रम ठाकुर व्याख्या करते हैं, किसमें लगाए, बोले राधा रानी में, भगवान की पराशक्ति राधा रानी, जिनसे सारे रस की जन्मादस्य जत, जिनसे ये आदि रस किससे प्रकट होती है, बोले सिर्फ किशोर जी से, राधा रानी से जन्म, ये सारे रस राधा रानी से प्रकट होता है। लेकिन यही श्लोक को जब श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, कहते सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कौन है, बोले से सचिनंदन गौर हरि, बोले से सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो उन्होंने इसी श्लोक को कहां पर लगाया, महाप्रभु में लगाया, पूरा श्लोक को कैसे महाप्रभु कैसे लगाया, इसलिए एक ही श्लोक है, हैं एक ही श्लोक है, इसलिए जिसकी भावना रही जैसी हरि मूरत देखी तिनी तैसी, इसलिए जिसकी अंदर में जैसे भावना है, भगवान भी उसको उसी तरह से, ठाकुर भी उनको उसी तरह से दिखते हैं, इसलिए जब दिखाए फिर तब उन्होंने बोले, महाप्रभु उनको बोले, बोले ये बताओ, ये हमने सुना ये जो आपका जो लक्ष्मी है ना,
ये क्या रास में भी, भगवान के रास में भी प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन इनके रास में प्रवेश नहीं हो पाई लक्ष्मी की, इनके रास में क्यों भरे प्रवेश नहीं हो पाई? फिर तो अक्के बक्के चक्के हो गए, उनको मुंह से कोई बोली नहीं निकली, रास में क्यों प्रवेश नहीं हुआ? वो चाहती थी, लेकिन अभी तक भी बैठी हुई तपस्या करके बैठी हुई है, लेकिन अभी तक भी उनका रास में प्रवेश नहीं हुई। तो महाप्रभु ने वहां कहते हैं, बोले ब्रज लोके रे भावे पाइये तहार चरण, तारे ईश्वर करी ना जाने ब्रज जने। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ब्रज लोके रे भावे पाइये तहार चरण, कृष्ण का चरण कब प्राप्त होता है? कृष्ण की एक ही कृष्ण है, लेकिन एक पूर्ण, एक पूर्णतर और एक पूर्णता। इसे द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर, वृंदावन में पूर्णतम। कहते जो पूर्णतम जो ब्रजन नंदन श्याम सुंदर है, जो लोकर भाई पाई तारी चरण, जब तक श्री ब्रज भाव में विभावित होकर वचन नहीं करते तब तक ब्रजन नंदन उनको नहीं मिलते। कहते उनका भाव कैसे, तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रजजन, ब्रज में कृष्ण को कोई ईश्वर बोलकर कोई पूजा नहीं करते। सखा लोग क्या कहते हैं, हैं सखा लोग क्या कहते हैं, अरे तुम किस चीज के बड़े हो, तुम हम बराबर है, तेरे पिताजी का कितना कहिया, 9 लाख, मेरे पिताजी श्री राम बोले 11 लाख, और जब हम मल्ल क्रीड़ा करते तेरे को पछाड़ देता हूँ मैं, हैं किस चीज के बड़े हो तू, हाँ ऐसे बोलते हैं। रमैया जैसा तो कान बोल देती है, और ब्रज गोपियों के चरण में तो हा खा कर गिरते हैं, राधा रानी के चरण में तो सर नीचा कर देते हैं, हैं? इसलिए नंद बाबा का घर में जो नौकर भी है ना, जैसे किसी घर में नौकर हो, क्या करते बच्चों को लालन पालन करते हैं, नौकर क्या कृष्ण को भगवान मानते हैं? कृष्ण अगर उल्टा पुल्टा करना उसका भी कान बोल देते हैं, ऐसे नहीं करना, देना छोटा बच्चों को। इसीलिए कहते ब्रज में कोई भी कृष्ण को भगवान बोलकर कोई भी नहीं भजन करते हैं। क्यों तारे पुत्र ज्ञाने उतुक हले बांधे, मैया जसोदा जैसे उनको पुत्र भाव से उनको उखल में बांध देती हैं, क्यों सख्य ज्ञान जिनी चढ़े तार कांधे, कोई सख्य भाव से उनकी कंधे पर चढ़ते हैं। बोले ब्रजेंद्र नंदन बोली तारे जाने ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञान नाही को न संबंध मान, इसलिए उनको श्री ब्रज नंदन रूप में जानते हैं, ऐश्वर्य रूप में उनको कोई भगवान बोलकर कोई मानते नहीं। ब्रज लोकेर भावे जई करे भजन, सही ब्रज पाए सुध ब्रजेंद्र नंदन, कहते ब्रज भाव से जो भजन करते हैं उनको, कहते ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तभी उनको प्राप्त होता है, हैं? तभी उनको प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव एक बड़े सुंदर एक उदाहरण देते थे, देखो गुरुदेव बहुत बड़े उदाहरण देते थे, क्यों कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में इतने वसीभूत है, क्यों? कहते दूसरे जगह पर जो ऐश्वर्य रूप में जो भजन करते क्यों नहीं? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, जैसे एक जज है, एक जज जब अपना कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है, देखना वहां पर सब साल्ट मारते हैं सबके सब, और क्यों किसको सुली पर चढ़ा देता है, किसको आजीवन के लिए जेल में बंद कर देता है, हैं? किसी को हैं? किसको फांसी में चढ़ा देता है, और वहां पर जज को सामने सब थर 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 कांपते हैं, जज को सब डरे हुए रहते हैं, और वहां पर सबके सब उनको सम्मान से बात करते हैं, जैसे उनका ड्यूटी है, जैसे उनका ड्यूटी 10 से लेकर 4 तक उनका ड्यूटी है, अगर 4 से अगर 5 अगर किसी कारण से बच गया ना, देखना खेप ला जाते हैं, और नहीं घर में जानी चाहिए, हमें घर में जानी चाहिए, हैं? अगर वहां 6 बज गया ना, बाबा छटपट छटपट कब घर में जाए, घर में जाए, लेकिन वही जज वहां सालूट मारते हैं सबको, किसको दंड दे रहा है, लेकिन वही जज जब घर में आता है ना, देखना घर में आते ही बच्चा तो कहीं से भागते हुए पाप पिता पिता बोलकर आकर गोद में चढ़ जाएंगे, उनके बाल को नोचने लग जाएंगे, पकड़ में हाथ घुसाएंगे, मेरे लिए क्या लाए हो, और आते ही जो मैया घर में होगी, हैं? जब मैया होगी डांट लगाएगी, अभी तो तू क्या कर रहा था, इतना लेट तुमने क्यों की, हैं? इतना लेट क्यों किया, अभी बच्चों को पढ़ानी है, ये घर का ये काम इतना, और पत्नी तो आपको पता है पत्नी क्या बोलती है, हैं? तो कोई काम धाम नहीं, घर में सब्जी नहीं, ये नहीं वो नहीं, और इतना लेट करके आए, तो घर में आने पर उनको कोई इज्जत नहीं देते, कोई इज्जत देते हैं, सलाड मार सलाड मारते हैं उसको, सबके सब घर में गाली गलौज करते हैं सबके सब, लेकिन उसको अच्छा कहाँ लगता है, घर में लगता है ना, ऑफिस में लगता है, ऑफिस में उसको सम्मान,
यहाँ पर कोई भी सम्मान नहीं देते, लेकिन उसको अच्छा कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? घर, घर में लगता है। बोले क्यों? प्रेम। क्या है? प्रेम। इसलिए कहते ऐश्वर्य भाव से है, ऐश्वर्य भाव से आनंद नहीं है, इसलिए प्रेम भाव से, मित्रता भाव से, ममता भाव से ही वहां पर आनंद है। इसलिए कहते, इसलिए कहते लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई? कारण क्या? बोले कारण है, भगवान जब लक्ष्मी को है, जब लक्ष्मी तपस्या की, कठोर तपस्या की, जब कृष्ण दर्शन दिए, बोले क्या चाहते? बोले प्रभु आपका रास में प्रवेश करना चाहती हूँ, आपका पति रूप में। बोले देखो उसमें कुछ शर्त भी है। बोले क्या शर्त है? बोले देखो तुमको ये लक्ष्मी अभिमान छोड़ करके वृंदावन में किसी गोप घर में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। कर सकती हो? बोले हाँ कर लूंगी। बोले वहां पर घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। लक्ष्मी के घर में कितना लोग नौकरानी काम करते, घर में कर लूंगी। बोले कंडा बीनना पड़ेगा है, गोबर का कंडा बीनना पड़ेगा। बोले हाँ कर लूंगी। बोले दधि मंथन करना पड़ेगा। बोले हाँ कर लूंगी। बोले और ये काम? बोले क्या है? बोले तुम्हारी जो शादी है ना, वो मेरे साथ में नहीं, तुम्हारी शादी किसी गोप के साथ में होगी, और गोपियां जैसे परकिया रूप में, पर पुरुष रूप में मेरे को प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करना पड़ेगा। बोले ये नहीं कर सकते, शादी तो आपसे कर सकती हूँ, लेकिन और किससे शादी करके तुमको पर पुरुष रूप में, भैया मेरे से तो ये नहीं होगा है, ये लक्ष्मी, ये मैं ये अभिमान को नहीं छोड़ सकती। बोले फिर तपस्या करो। इसलिए लक्ष्मी भी अभी भी तपस्या कर रही है, कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए अभी भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है। इसलिए महाप्रभु ने जब उन्होंने ये बात को बताया, बोले और ध्यान तो किया है? बोले विशेष करके कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार ही गुण है। कितना गुण है विशेष करके? क्या क्या है बोलो? हाँ हाँ क्या माधुरी? इसलिए बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। पहला जो उनका माधुर्य है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, भगवान की जो लीला की जो कल्लोल है, अथा जो लीला है, भगवान की जो मधुर मधुर लीला, सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा? रास लीला है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रास लीला है। और भगवान होकर के जो भक्तों का प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, गोपियों की प्रेम में, मैया जसोदा की प्रेम में, उनको जो अद्भुत जो लीला है ना, ये लीला कहीं इतना माधुर्य लीला नहीं है नारायण का, राम का है, लेकिन वो जो लीला है ना, वो ऐश्वर्य पर लीला है। कभी सुना जो कौशल्या मैया राम का कान पकड़े? कभी सुना उनका जो दोस्त लोग है, कौन कौन दोस्त है? जैसे गोक चंडाल उनका दोस्त है, श्री विभीषण उनका दोस्त है, सुग्रीव उनका दोस्त है, इनके से दोस्त है, विभीषण उनका दोस्त है, लेकिन भगवान जहाँ रामचंद्र बैठते हैं ना, बैठते तो बराबर आसन, लेकिन दूर में, अगर उनका दोस्त लोग भी अगर कोई तो उल्टा पुल्टा करे ना, भगवान लक्ष्मण गए किसको? सुग्रीव को धमकाने के लिए, उनका दोस्त है, हैं? जब उन्होंने सीता माता की उधार, उन्होंने तो उनका पत्नी को दिला दिया सुग्रीव की, लेकिन जब उन्होंने 4 महीना के बाद में बोले आपको करेंगे सीता जी उधार, लेकिन वो बंदर है ना, इसलिए पत्नी को लेकर के तो इतना मस्त हो गए, भूल गए। इतने में रामचंद्र दुखी हुए, लक्ष्मण गए, ऐसे धमका है ना, बोले जिसे बाण से बाली को मारे, अभी वो द्रोण से बाण कहीं गया नहीं, अभी भी वही बाण है जो एक बाण से बाली को भी मार सकते हैं, हैं? मेरे प्रभु दुख पा रहे हैं और तुम अपना पत्नी को लेकर यहाँ मस्त हो, ऐसे डांट लगाए ना सुग्रीव, कहाँ उठे है? इसलिए लेकिन कृष्ण लीला में ऐसे थोड़ी होगा है, अगर कोई कृष्ण अगर की सखा कुछ बोलते ना, बोला राज हो गया चुप्पा है, उसको चुप बैठा देंगे, कृष्ण को चुप बैठा देंगे। इसलिए वहां पर माधुर्य जो वहां पर है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कलोल वारिधि, भगवान की जो अद्भुत अद्भुत जो लीला है, जो लीला और किसी भगवान ने नहीं किया, ये एक माधुर्य है। दूसरा है अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल। दूसरा जो माधुर्य प्रेम माधुर्य है, प्रेम माधुर्य में दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, क्या है? एक तो रास लीला में, जैसे ब्रह्मा का एक रात्रि तक किया,
लेकिन गोपियों को क्या लगा, आए और अभी अभी खत्म हो गया। क्यों? आनंद में देखना समय कैसे बीत जाती है ना, पता ही नहीं चलता है आनंद में। लेकिन दुख में ना एक पल बीतना, एक एक मिनट बीतना, पल बीतना कठिन होता है दुख में, लेकिन आनंद में समय बीत जाती है। इसलिए और दूसरा है, कृष्ण जब गोचारण करते हुए आती है, गोपियां जब दर्शन करते उनका पलक झपते ही कहते त्रुटि जुगायते त्वाम उपस्यताम, तुमको दर्शन किए बगैर जैसे एक कितना करोड़ युग बीत गया है। दूसरा और जो तीसरा है, सर्प त्रिजगत माना सकर्षी मुरली कलगुज्जित, जो बंसी ध्वनि की जो माधुर्य है, जिसको द्वारा त्रिजगत को सारा विश्व ब्रह्मांड को, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भुभ्रीत चमत्कृत परम कुर्बन मुहस्तुम्बुरु है। कहते जो भगवान बंसी ध्वनि करते हैं, कहते अनंत देव का जो सर है डगमगाने लगता है, ब्रह्मा का शरीर में चक्कर आ जाती है, चतुस्तन स्तंभित हो जाते हैं, विश्व ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है। इसलिए कहते जापत जावती माधुर्य, कहते विश्व ब्रह्मांड में जितने सब म्यूजिक में जितने माधुर्य है, सारे जितना म्यूजिक, कहते जितने सारे म्यूजिक में जितने माधुर्य है, बंसी ध्वनि में जो चमत्कारिता, उसका बूंद में कहते सारे म्यूजिक का जो मधुरिमा उसमें ही समा जाता है, इतना बंसी ध्वनि की करामत है, हैं? और जो चौथा जो माधुर्य उनकी रूप माधुर्य है, कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण स्वयं लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ दिया, नारायण चोरी करने लग गए, कृष्ण अपना रूप को देख करके मुक्त हो जाते, कहते अपर गलित पूर्वम कश्चमत कर करी कौन है, इतने सुंदर कृष्ण अपना परछाई को देख कर सोचते हैं कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप में आलिंगन करूं। महाप्रभु जो ये सब बात उनको बताए ना, वेंकट भट्ट बोले भैया हमने तो कभी जिंदगी में सुना ही नहीं सब बात को, हाँ ये सब कृष्ण के अंदर में ये विशेष चारी गुण, जो गुण नारायण में भी नहीं है और किसी अवतार के अंदर में भी ये गुण नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे महाप्रभु को चार महीना तक ऐसे कृष्ण कथा की रस की मंदाकिनी बहाया ना, सबके सब डुबो दिया सबको। इसलिए महाप्रभु जो चार महीना खत्म हो गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं पर 11 साल के थे और महाप्रभु को उन्होंने अनंग मंजरी है, राधा रानी की छोटी बहनी है, इसलिए महाप्रभु को उन्होंने खूब सेवा की और महाप्रभु का प्रसाद खूब पाई। और महाप्रभु जो घर जब वापस आना चाहते हैं, उस समय गोपाल भट्ट बोले प्रभु मेरे को भी साथ ले चलो। महाप्रभु बोले अभी नहीं, अभी घर में रहो, अभी पिता माता तुम्हारी वृद्ध है, पिता माता की सेवा करो अभी रहो, और जब पिता माता चले जाएंगे ना क्या करना, फिर तो आ जाना। तो यहाँ पर गुरुजी इसी विषय पर कहते थे, कहते क्या महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं, जब तक पिता माता तुम्हारी शरीर नहीं छूट जाता है तब तक घर में रहो, और जब छूट जाएगा फिर आना, क्या महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं? गुरुदेव कहते थे नहीं, महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। उनको क्यों रख करे गए? महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक चीज को उन्होंने प्रकाशित किया है। महाप्रभु का इच्छा थी हमारी संप्रदाय में कोई ऐसे एक ग्रंथ हो जो कि सदाचार संपन्न, जैसे रामानुज संप्रदाय में जो वो भगवान को ऐश्वर्य बुद्धि में उपासना करते हैं, इसलिए उनका जो सदाचार है ना प्राण निष्ठा पूर्वक, बहुत निष्ठापूर्वक उनके सदाचार है। जिस कपड़े में एक बार पेशाब करने जाएंगे ना, फिर वो कपड़े को पहन करके फिर ठाकुर का सेवा पूजा नहीं करेंगे, हैं? इसलिए जब पैखाना करने जाएंगे पूरा के पूरा शरीर को स्नान करेंगे, पूरा के पूरा वो तिलक लगाएंगे, हैं? पूरा के पूरा वो तिलक लगाएंगे। इसलिए जब मंदिर में सेवा करने के लिए जाएंगे बड़ी निष्ठा नियम पूर्वक, बड़ी उनका जो वैधि जो भक्ति बहुत स्ट्रीक है उनकी वैधि भक्ति। इसलिए महाप्रभु ने देखा हमारे संप्रदाय में भी कोई ऐसे ग्रंथ होनी चाहिए जो कि, हाँ, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, सबके सब नहीं तो सहजिया बन जाएंगे, हाँ? सबके सब कोई निष्ठा नियम नहीं, झूठन फुटन कोई पता नहीं, जिस हाथ में भोजन कर लिया रुमाल में धो करके पकेट में रख लिया, प्यार में हाथ लगा रहे हैं ठाकुर को सेवा कर रहे हैं प्यार में हाथ लगा करके, हैं? इसलिए कोई कपड़ा फपड़ा का कोई पवित्र पवित्र का कुछ है ही नहीं, सारे भ्रष्ट जैसे सबके सब सहजिया हो जाएंगे, हैं? इसलिए महाप्रभु ने देखा अगर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर रहेगा क्या होगा, ये रामानुज संप्रदाय में इनका परिवार है,
वहाँ का निष्ठा नियम को सीखेगा। और ये क्या करेंगे भविष्य में आकर के, जो हरि भक्ति विलास ग्रंथ है जिसमें सारे निष्ठा नियम, एकादशी सेवा की निष्ठा, अपराध की जो नीति नियम जो इस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में है, जिसको सनातन गोस्वामी ने रचना करके, जिनको श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने दिया था, जिसमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम पर जो ग्रंथ आती है, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखे हमारे संप्रदाय के लिए जो अनमोल ग्रंथ है, सत्क्रिया सार दीपिका। ये सत्क्रिया सार दीपिका में जैसे 10 तरह का जो संस्कार है, जैसे गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, फिर चूड़ाकरण संस्कार है, ये जो जनेऊ संस्कार, अंतिम संस्कार, दीक्षा प्रदान आदि, ये जितने यज्ञ है, जो यज्ञ हम करते हैं उसका जितने सब विधि विधान है, इसलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये सत्क्रिया सार दीपिका ग्रंथ को उन्होंने बनाया, जिसमें सारे निष्ठा नियम को उन्होंने वर्णना की। इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए महाप्रभु जान बुझ करके गोपाल भट्ट गोस्वामी को रखे, ये संप्रदाय का सारे नीति नियम को सीखे, और भविष्य में उन्होंने, महाप्रभु को पता है ना कौन सा भक्तों के द्वारा मैं कौन सा ग्रंथ प्रकाशित करूंगा, महाप्रभु को पता है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उनको वहीं पर रख करके महाप्रभु आए थे। इसलिए जब उनको पिता माता चले गए, जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, तब उन्हें गंडोकी नदी होते हुए आए थे, और वहां से 12 सालग्राम वहां से प्राप्त किया था, गंडोकी नदी से। और गले में जैसे हम लोग माला झुलाते हैं ना, ऐसे कि झोली के अंदर में सारे सालग्राम को रख करके जहाँ जाते थे, हृदय में ठाकुर जी को रख करके जाते थे। जब वृंदावन में आए, अभी जैसे झूला का समय आ रहा है, अभी वहां पर कोई एक सेट था मंदिर में, जानते हैं ये झूला आएंगे तो ठाकुर को झूला में बैठाएंगे, बाबा लोगों को कहाँ मिलेगा कपड़ा लता, उन्होंने हर मंदिर में कुछ कुछ ठाकुर जी के लिए कपड़ा लता दे करके गए थे। अभी जब इनको दे कर गए, बोले भैया ठाकुर को झुलाएंगे तो राधा कृष्ण झूलेंगे, हैं तो कपड़ा लता तो ठाकुर जी बैठते, ठाकुर जी तो सालग्राम है, ये तो चार तरफ में बराबर है, इसलिए ये थोड़ी बैठेंगे हैं झूला में। इसलिए राधा झूले राधा दामोदर वृंदावन में, इसलिए राधा कृष्ण झूलते हैं। अभी इनके मन में इच्छा हुई, अगर मेरे पास में ठाकुर जी होते हैं ना, मैं भी ठाकुर जी को झूला में झूलाता। अभी ठाकुर जी इनकी इच्छा को समझ करके, भावना को समझ करके, ये कृष्ण लीला में कौन है, ये श्री अनंग मंजरी, और कौन है, कहते श्री गुणा मंजरी भी है। इसलिए इनकी भावना को समझते हुए रात को उन्होंने शयन दिया, सवेरे उन्होंने गए यमुना में स्नान करके आए, जब उन्होंने मंदिर खोला ना, देखा ठाकुर जी राधा रमण रूप में, त्रिभंग ललित रूप में ठाकुर जी खड़े होकर के बसरी बजा रहे है, देख करके तो इनका हृदय प्रेम में गदगद हो गया है, प्रेम में गदगद हो गया। सारे गोस्वामी वर्गो को निमंत्रण दिया, सारे गोस्वामी लोग आए, क्योंकि सालग्राम से अभी भी वो सालग्राम ठाकुर को पीछे लगा हुआ है, इसलिए सारे गोस्वामी लोग आकर के देखे, बड़े सुंदर ठाकुर जी, बड़े प्यारे ठाकुर जी, इसलिए सारे ठाकुर जी इनका नाम रखे श्री राधा रमण नाम रखे, जो राधा जी को साथ में जो रमण करते हैं, राधा जी को साथ में रमण करते हैं। और ये ऐसे के ठाकुर है ना, जो ठाकुर को दर्शन करने से गोविंद गोपीनाथ ब्रह्मदन मोहन, इन्हें तीनों ठाकुर का दर्शन वहां मिलता है। राधा रमण किसने किसने दर्शन किया है आप देखना, कितने बड़े ठाकुर जी, इतने बड़े ठाकुर जी है, इतने छोटे सी, लेकिन उनको देखना दो दांत है, जैसे कोई बच्चा हंसता है ना तो दांत। और जितने ठाकुर आप लोग देखोगे, सबको ठाकुर बनाया हुआ, ठाकुर बनाए जैसे जैसे बजरंग ने सब ठाकुर बनाए, लेकिन ये ऐसे ठाकुर जिस ठाकुर को किसने बनाया नहीं। और देखना जैसे शास्त्र में बताया त्रिभंग ललित, जैसे कृष्ण का टेढ़ा कमर टेढ़ा प्यार टेढ़ा है तीन जगह में, वो ठाकुर जी को देखना कहीं देखोगे, ये राधा रमण ठाकुर जी को ये तीन जगह में पूरा टेढ़ा है तीन जगह में। और ठाकुर का जैसे छाती बख्य स्थल विशाल होनी चाहिए, कमर होनी चाहिए पतली होनी चाहिए, हैं उनकी जंघा कैसे होनी चाहिए, उनके गले में त्रिवली कैसे होनी चाहिए, जो शास्त्र में जो वर्णना किया है ना, आप राधा रमण विग्रह में ठीक ऐसे ही दर्शन करोगे, एकदम कृष्ण मूर्ति जैसे अद्भुत। इसलिए जिस समय औरंगजेब ने आक्रमण किया, कहते गोविंद गोपीनाथ मदन मन जितने सब ठाकुर थे ना, सबके सब वृंदावन से जयपुर चले गए, लेकिन ये राधा रमण ठाकुर जी यहाँ से नहीं गए, ये ठाकुर जी नहीं गए। बोले क्यों,
बोले कृष्ण वृंदावन छोड़कर के कहीं एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, हैं? और विशेष करके ध्यान देकर सुनो, कहते विशेष करके जब आक्रमण किया मुसलमान औरंगजेब ने, भगवान के ऊपर में कोई आक्रमण कर सकता है? बताओ, भगवान ऊपर में कोई आक्रमण कर सकता है? जिनकी एक भ्रुकुटी मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, हैं? केवल एक भ्रुकुटी मात्र से ही, लेकिन वो ठाकुर जी के ऊपर में कोई आक्रमण कर सकते हैं? ठाकुर जी डर से कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अरे चले गए सब के सब। अब ये राधा रमण क्यों रह गए? बोले कारण है, भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, इसलिए सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, तोर जो धन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाए, ओ साग भी दूर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, इसलिए सबसे जो ऊंची है प्रेम की बंधन ही सबसे ऊंची। क्योंकि राधा रमण का जो सेवक लोग थे वो लोग बड़े प्रेम प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करते थे ठाकुर जी को, हैं? सेवा करने का वजह से ठाकुर जी वृंदावन नहीं छोड़े, हैं? लेकिन अभी लेकिन और सब ठाकुर क्यों चले गए? कारण है, सेवक लोग ठाकुर को ठीक ठीक से सेवा नहीं करते थे, इसलिए ठाकुर जी की जब सेवा ठीक ठीक से नहीं होना तो ठाकुर जी बहाना बना करके उनको जो प्रेम करने वाले व्यक्ति वहीं पर चले जाएंगे। दुनिया तो प्रेम की भूखे है ना, जहाँ प्रेम मिलेगा व्यक्ति वही जाएगा। इसलिए कभी जयपुर में कौन कौन जयपुर में गए? हाथ उठा कौन कौन जयपुर गोपी देव देखे हो? हाँ, इसलिए तुम देखी ना, इसलिए जयपुर में जब वहाँ मंगल आरती होते ना ठंडा का समय, देखना वाह वाह रे इतने लोग, वहाँ झांकी झांकी दर्शन होता है, बंद करते फिर दिन में 7-8-10 झांकी होता है, एक एक झांकी में हजार हजार लोग देखोगे, कितना बड़ा मंदिर, पूरा जयपुर जैसे अलग अलग समय पर आते हैं, इतने मुझे लगता है इतने लोग शायद किसी मंदिर में, इतने लोग में मंगल आरती में दूसरे दूसरे आरती में होता है ना, इतने लोग कहीं नहीं देखोगे। इसलिए क्योंकि जहाँ ठाकुर जी प्रेम मिले है ना, ठाकुर जी वहीं पर चले जाते हैं ठाकुर, इसलिए भगवान प्रेम के ही भूखे, इसलिए ठाकुर की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि होगा तो ठाकुर जी क्या करेंगे? कोई बहाना बना करके वहां से फिर अन्य कहीं चले जाएंगे, जहाँ उनको प्रेम करने वाले होंगे ठाकुर जी वहीं चले जाते हैं, हैं? इसलिए राधा रमन वहीं पर, इसलिए श्री महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी, हैं? केवल महाप्रभु को 11 साल उम्र में दर्शन किया तो उनके हृदय में उत्कंठा थी, कब महाप्रभु दर्शन करे, हैं? इनकी बड़ी बड़ी उत्कंठा होती थी, इसलिए महाप्रभु पुरी में थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने 3-4 भेजा था। एक तो महाप्रभु ने अपना वस्त्र भेजा था, दूसरे क्या भेजा था? उनकी पीढ़े, एक पीढ़ा था जो कि उन्होंने हमने पीढ़ा भेजा था, कॉपी भेजा था, ऐसे कुछ वस्तु उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए उन्होंने भेजा था। और भगवान का जो व्यवहार का जो वस्तु और भगवान में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है, क्योंकि भगवान चिन्मय, उनका हर उनकी हर वस्तु भी चिन्मय है, हैं? इसलिए उन्होंने ये सब वस्तु को उन्होंने भेजे थे और इसको पा करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे महाप्रभु के साथ में साक्षात उनकी जैसे मिलन हुई, ऐसे उनके अंदर में अनुभूति इनके अंदर में होता था। इसलिए कहते इनका, इन्होंने एक गोपीनाथ नाम का इनके एक शिष्य है, हैं? बाद में जिस परंपरा में जो इनके गृहस्थ शिष्य थे, जिसकी परंपरा में अभी जो परंपरा में जो लोग है उसी परंपरा में उनको जो गोस्वामी लोग है, और इनका एक विशेष शिष्य थे जिनका नाम क्या था? श्रीनिवास। क्या नाम था? कहते श्रीनिवास आचार्य। इसलिए श्री जीव गोस्वामी के अनुगत्य में उन्होंने सारे शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते हुए श्यामानंद श्रीनिवास और नरोत्तम को उन्होंने 3 दिशाएं में भेजे। नरोत्तम दास ठाकुर को कहाँ भेजे? मणिपुर में। श्यामानंद को प्रभु जी उड़ीसा में और श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने बंगाल में भेजे। इसलिए इन्होंने तीनों को तीनों देश में भेज करके उन्होंने महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार किया था, और श्रीनिवास आचार्य ने उन्होंने श्री पूरा बंगाल में जा करके महाप्रभु भक्ति के उन्होंने झंडा उन्होंने फहराया, हैं? फहराया। इसलिए आज श्री गोपाल गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज श्री तिरुभाव तिथि है,
इसलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हम सबको ऊपर में आशीर्वाद, सबको ऊपर में गोपाल भट्ट गोस्वामी कृपा करे हैं। जैसे उन्होंने साधन भजन किया है, जैसे हम भी कभी ना कभी इसी पथ में अनुसरण करते हुए अपना जीवन को धन्य बना सके। बोले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे, बोले श्री राधा रमण लाल की, बोले जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा हरि गोविंद, जय आ गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्यामानंद गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे da
दयाल निताई दयाल गौ दयाल निताई दयाल गौ राधा गोविंद रघुनाथ मदन मोहन जो की जय 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 नित्रला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सुक्तिरो भाव महामहोत्सव की जय महोत्सव पालन कार्य भक्तरंज की जय श्री राधा रमन लाल जो की जय अदालत दर्शनकारी भक्त रंज की जय बलो श्री गुरुदेव जी की जय अनंत कोटि वैष्णव रंज की जय श्री गौर प्रमानंदे हरे हरे।